आज विधायक निवास पर युवा नेता सक्षम जैन और विधायक देवेंद्र जैन के समक्ष लगभग 100 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये युवा वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और शहर विकास के रूप में सहयोग करेंगे। आज विधायक देवेंद्र जैन के निवास पर लगभग 100 युवा पहुंचे। इन युवाओं को युवा नेता भाजपा कोषाध्यक्ष सक्षम जैन ने पार्टी का गमछा फूल माला पहनाकर स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर युवा नेता सक्षम जैन ने कहा कि भाजपा अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। विदेश में भी उनका डंका बज रहा है। उनके नेतृत्व में अनेक लोगों ने भाजपा के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सक्षम जैन ने कहा कि आज जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है वह सभी वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और शहर विकास में अपना सहयोग देंगे। इस मौके पर विधायक देवेंद्र जैन ने कहा कि अनेक लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की जनता को जो नेतृत्व के प्रति विश्वास था वह आज कायम है। जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है उन सभी का कहना था कि वह भाजपा के हित में मजबूती से काम करेंगे। भैया, काफी लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, किस तरह से आपने लोगों को कन्वर्ट किया आज भाजपा के अंदर? क्या है कि चुनाव जीतने की हाल के हाल बात, मेरा एक अभियान रहा था कि हर प्रत्येक वार्ड से कम 3 से 4 आदमी जो समाज के भी हैं उनको ढूंढ के निकालूँ, उनको चिन्हित करूँ और फिर एक ग्रुप बनाया जाए जिससे क्या है कि लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकें। कई बार क्या होता है कि किसी वार्ड की कोई भी एक छोटी सी छोटी समस्या होती है वो मेरे पे डायरेक्ट नहीं आ पाती, तो इन लोगों के थ्रू जो छोटी छोटी समस्या होती है कोई की, जैसे अधिकतम नगर पालिका भी होती है, नाली सफाई की होती है या पानी की होती है या कुछ भी होती है, तो मेरे पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। इंसान वहाँ के प्रतिनिधि को बताता है, वह हो सकता है प्रतिनिधि मेरे को ना बता पाया, कुछ भी प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है। तो मेरी प्रोसेस थी कि हर प्रत्येक वार्ड से कुछ दो दो चार चार आदमी को मिला जो समाज सेवी भाव के, चाहे वो कोई से भी ग्रुप की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो। अब क्योंकि मैंने इन लोगों को चिन्हित किया है, 100 से 125 लोग हैं यहाँ पे चिन्हित किए, इनको मैंने भाजपा की आज सदस्यता बनाई। आपने सभी वार्डों के वॉलंटियर चुन लिए हैं और वो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे वार्ड में जाकर। और सर, और क्या रहेगा आपको और इसके अलावा ये है, ज्यादा से ज्यादा समझते भी हैं, यानी मेरे से डायरेक्ट जुड़े। मैं ये चाहता हूँ कि बीच के टू किसी को फोन ना लगाना पड़े कि भैया आप कर दो आप कर दो, मेरे से डायरेक्ट आके संपर्क करें, जिससे क्या है कि बीच में लॉस ऑफ कम्युनिकेशन ना हो। क्या है कि जो इंसान की पर्सनल पीड़ा होती है वो खुद ही सुना पाता है, कोई और सुनाएगा तो वो पीड़ा सही सुना नहीं पाता। हाँ, आप यंग हैं और वैसे भी आप लोगों से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो आप आपके दिमाग में क्या रोड मैप रहेगा शहर के विकास को लेकर? मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये है कि आज की तारीख में युवा पीढ़ी सबसे आगे है काम करने में, तो क्योंकि मेरे पापा के नेतृत्व में मेरे को नॉलेज मिलती रहती है, शक्ति हम प्रदान करते हैं युवा जो है, तो युवा वर्ग जितनी शक्ति से पापा भी नॉलेज पर काम करेगा तो शहर में जल्दी से जल्दी विकास हो पाएगा, समस्या दूर हो पाएगी। थैंक यू।